हेलो फ्रेंड्स, जिया कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। जैसे कि आम का सीजन है, सबको आम बहुत पसंद आते हैं, तो आज हम आम से ही बनाएंगे आम्रखंड। श्रीखंड तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन आज आम का यूज करके आम श्रीखंड बनाएंगे। तो चलिए इस टेस्ट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक हमने यहाँ बाउल लेंगे। अब यहाँ लिया है एक सूती कपड़ा, आप चाहे तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब लेंगे ये जमा हुआ दही, ये मार्केट का दही लिया है, घर का दही भी जमाया हुआ यूज कर सकते हैं। ये दही बिल्कुल गाढ़ा दही है। अब इसका फिर भी एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो इसमें निकाल देंगे। अब चार एक कोनों पकड़ के इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। पहले इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाएंगे, ज्यादा दबाएंगे तो ये दही है ये कपड़े में से बाहर निकलने लग जाएगा। ये आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दबा के ये पानी निकाल देंगे और फिर उस आधी से एक घंटे तक इस कपड़े को बांध के हम लटका देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, या स्टेनर से छान लेंगे। यहाँ एक मिक्सी का जार लेते हैं और ये कटिंग करे हुए आम लेंगे। आम की हम प्यूरी बना लेंगे। आम्रखंड बनाने के लिए आम की प्यूरी डालना जरूरी है। अब इसे हम पीस लेते हैं और यहाँ ये एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। ये दही से बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम दूसरे प्याले में निकाल देंगे। इसे आप यूज कर सकते हैं, कढ़ी बनाने में भी यूज कर सकते हैं, आटा लगाने में यूज कर सकते हैं। अब ये दही बिल्कुल तैयार है, इसका पानी निकल चुका है। अब इस कपड़े में से इस दही को निकाल लेंगे। ये बिल्कुल गाढ़ा दही तैयार हो चुका है श्रीखंड बनाने के लिए। इसे इस बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसे एक से दो मिनट तक मैश करेंगे ताकि बिल्कुल चिकना अच्छे से दही तैयार हो जाए। ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जो आम की प्यूरी हमने तैयार की थी वो इसमें डाल देते हैं। ये 3 से 4 चम्मच प्यूरी है। इसके बाद डालेंगे ये पीसी हुई चीनी, ये 2 बड़े चम्मच चीनी इसमें डाली है। फिर डालेंगे ये इलायची पाउडर। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ और चिकना अच्छे से श्रीखंड बनाने के लिए दही तैयार हो जाए। इसके बाद डालेंगे ये केसर, ये हमने भिगो दी थी। इसका कलर बहुत अच्छा, बिल्कुल येलो कलर आ गया है। केसर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। आपके पास केसर ना हो तो पीला कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इसका श्रीखंड का कलर आया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम सर्व करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ मैंने मिट्टी से बने हुए बाउल लिए हैं। अब इन बाउल्स में हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितना फ्लफी, कितना अच्छा, बिल्कुल चिकना चिकना श्रीखंड तैयार है। इस तरह से हम यदि सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम दोनों बाउल्स में ये श्रीखंड डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा इस पे जो छोटे छोटे कटिंग करे हुए आम थे इनके टॉपिंग हम ऊपर से कर देते हैं ताकि इसका लुक बहुत अच्छा लगे। यहाँ मैंने मिक्स करने में ड्राई फ्रूट्स ज्यादा नहीं डाले थे। आप अगर ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ज्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर से गार्निश करने में ही केवल ड्राई फ्रूट्स का यूज कर रही हूँ। ये आप देखिए कितना अच्छा श्रीखंड बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल फटाफट 5-10 मिनट में हमने इसको रेडी कर लिया है। और ऊपर से हम बादाम के कतरन इस पर डालेंगे। ये श्रीखंड
तैयार है। आम से बना हुआ श्रीखंड सब बहुत पसंद करेंगे। आम का सीजन है, आम आसानी से मिल भी जाते हैं। तो इस तरह से रेसिपी आप जरूर बना के देखें। और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस श्रीखंड को आप बनने के बाद फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा सबको सर्व करें। लेकिन मानिए, सबको बहुत पसंद आएगा। हम आपको निकाल के दिखाते हैं कितना अच्छा आम्रखंड बनके तैयार हुआ है। इस तरह से आप यदि घर पे बनाएंगे तो बच्चों को, बड़ों को, सबको आम्रखंड बहुत अधिक पसंद आएगा और डेली डेली इसको बनाने की डिमांड होगी। आप देख सकते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।